अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। जिस तरह से माँ उसका साथ दे रही थी उसे ये बात तो साफ है कि वो दोनों साथ हैं। बस माँ के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगा मैं। अगर मैं तुमसे प्यार नहीं कर रहा हूं तो ना तुम मैं आपका गुस्सा समझ सकती हूँ पर आप प्लीज शांत हो जाइए और ठंडे दिमाग से मेरी बात समझने की कोशिश करिए। नहीं मैं मेरी माँ के खिलाफ कुछ नहीं। और एक बात हमेशा याद रखना अगर मुझे मेरी माँ और तुम में से किसी एक को चुनना होगा तो मैं अपनी माँ को चुनूंगा। जानती हूँ तुम ही ने महक को कमरे से बाहर निकाला। मैं ये भी जानती हूँ कि निहारिका और ध्रुव मेरे एकांश को मारने की साजिश रच रहे हैं। सब बातें सुन ली है मैं। तो फिर आप क्या चाहती? सबको जाके मेरी सच्चाई बता देंगी? नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम एकांश से प्यार करती हो। खुद से भी ज्यादा। एकांश की जान खतरे में है त्रिशा, तो उसे बचाने की जिम्मेदारी अब उन दो इंसानों पर पड़ती है जो उसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, यानी कि मैं और तुम। अगर आज तुम मेरी सारी बातें मान लोगी तो मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारी शादी एकांश से करवा दूंगी। मंजूर है आंटी, बताइए मुझे क्या करना है? तुमने वो सब किया जो मैंने तुमसे करने के लिए कहा। गुड, एकांश के सामने तो मैंने लक्ष्मण रेखा खींच दी है, वो उसे पार नहीं करेगा। लेकिन तुम सही कह रहे हो, महक चुप नहीं बैठेगी। खैर चलो अब बचा हुआ काम भी पूरा कर ही लेते हैं। जी बड़ी माँ, आप मुझे मारना चाहती हैं? आप तुम मुझे अपना बेटा मानती हैं ना? और तुम मेरे ही बेटे की जान लेने चला था? मेरे एकांश मेरे जिगर के टुकड़े को मारने वाला था तू? I'm sorry, बड़ी माँ, मुझसे गलती हो गई। आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। देखिए आप जो कहेंगी वो मैं करूँगा बड़ी माँ। मैं जो बोलूंगी वो करेगा? हाँ बड़ी माँ। तो फिर अपनी जान दे दे आज, क्योंकि मैं वही चाहती हूं। त्रिशा तुम घर जाओ और वहां जाकर महक पर नजर रखो। अगर उसे हम पर शक हो गया और हम दोनों वहां से गायब हुए तो उसका शक यकीन में बदल जाएगा। इसलिए तुम घर जाओ, यहां पर इन दोनों को मैं संभाल लूंगी। जी। ध्रुव, इसे बातों में उलझा के रखना, मैं कुछ करती हूँ। त्रिशा कहाँ गई? त्रिशा क्या कर रही हो यार? सॉरी बोलने आई थी, खामखाई मैंने तुम पर शक किया। मैं तो भूल ही गई थी कि मिस्टर अग्निवंशी ने जब मुझे कमरे में बंद किया था तो तुम आई थी मेरी मदद करने। तुम्हें थैंक यू बोलने की जगह तुम पर इल्जाम लगा दिया। आई एम सॉरी त्रिशा। बड़ी माँ, मैं आपका ध्रुव हूँ। ध्रुव, आपने ही तो अपने हाथों से मुझे बड़ा किया है, मैं तो आपकी गोद में खेला हूँ बड़ी माँ। और तू मेरे ही को कुछ आने चला था? गोद से बड़ी कोक होती है ध्रुव, इसीलिए अब तुझे तेरे किए की माफी नहीं,
सिर्फ सजा मिलेगी। बड़ी मम्मी, क्या हम पिछली सारी बातें भुलाकर दोस्ती की एक नई शुरुआत कर सकते हैं? हमारी दोस्ती की मीठी शुरुआत के लिए मैं ये खीर बना कर लाई हूँ। ठीक, रख दो बाप, खा लूंगी। त्रिशा, बहुत जल्द तुम्हारे रास्ते के दोनों कांटे महक और निहारिका हटने वाले हैं और फिर मैं बन जाऊंगी एकांश की पत्नी। और फिर मैं उनके लिए ये खीर बनाऊंगी और उनसे कहूंगी कि आपकी पत्नी ने पहली रसोई में आपके लिए खीर बनाई, जरा चख के बताइए कैसी है, लीजिए ना। और फिर वही झूठी खीर मैं खाऊंगी। करोगी तो तुम, वो भी जो मैं कहूंगी वो। क्या मिला है तुमने खीर में? जमाल गोटा। मुझे वॉशरूम जाना, चाबी दो। नहीं, चाबी दो। जब तक तुम मेरी बात नहीं मानती तब तक ना ही तुम ये वॉशरूम यूज कर पाओगी ना ही घर का किसी और वॉशरूम में जाओ। महक, चाबी दो। महक, मैंने कहा ना चाबी दो मुझे। ज्यादा उछल कूद मत करो त्रिशा, चुपचाप बताओ, क्योंकि अगर नहीं बताया तो गड़बड़ हो जाएगी। ध्रुव भैया और निहारिका दी को कहाँ छुपाया तुमने? नहीं बताऊंगी। तो फिर डायपर का इंतजाम कर, क्योंकि आज तो तुम किसी भी बाथरूम में जाने से रही, और तुम्हारा आज का ये कारनामा सोशल मीडिया पे लाइव दिखाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, नहीं बताती। बड़ी माँ मेरी बात सुनिए, देखिए बड़ी माँ रुकिए, बड़ी माँ मुझे मिस्टर अग्निवंशी को सारी सच्चाई बतानी होगी। क्या त्रिशा, तुम पागल हो गई हो? तुमने कैसे महक पर भरोसा करके उसकी दी हुई खीर खा ली? और तुमने उसे यहाँ का एड्रेस भी दे दिया। फोन रखो अब, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। बड़ी माँ मेरी बात सुनिए, देखिए बड़ी माँ रुकिए, बड़ी माँ, बड़ी माँ चल चल चल, बड़ी माँ, बड़ी माँ आग लग गई, बड़ी माँ। कांच, बड़ी
ये क्या किया तूने एकांश? इन दोनों ने तेरी जान लेने की कोशिश की एकांश, तुझ पर जानलेवा हमला किया। माफी के लायक नहीं है ये दोनों, यही मौका है, मार दे दोनों को। ये भाई सोच रहा है, पकड़ से और मार दे दोनों को। भगवान भी नहीं हिचकिचाए थे अपने दुश्मन को मारने से। इन लोगों ने तेरे जज्बातों के साथ खेल किया, तेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया, यहां तक कि तुझ पर जानलेवा हमला भी कर दिया एकांत। माफी के लायक नहीं है ये दोनों, इनकी सजा सिर्फ मौत है, सिर्फ मौत, मार देने। रुक पापा। एकांश नहीं, एकांश नहीं, ध्रुव तेरा भाई है बेटा। मिस्टर अग्निवंशी, माना के भगवान ने राक्षसों का वध किया था, लेकिन हम भगवान नहीं, हमें कोई हक नहीं बनता कि हम किसी की जिंदगी के फैसले लें। क्या आप अपने हाथों से अपना परिवार उजाड़ना चाहते हैं? आपने हमेशा अपने परिवार को आगे रखा है, उनका इतना मान किया है, तो फिर आज आप क्या चाहेंगे? क्या आपके वजह से आपके परिवार में मातम हो? एकांश, हमने अपनी सारी बाजियां, अपनी सारी साजिशें इसी दिन के लिए खेली थी। हाथ सोच मत, अंजाम दे दे अपनी बाजी को, जला दे इन्हें। एकांश प्लीज, एकांश अपनी सारी साजिशें इसी दिन के लिए खेली थी। हमेशा अपने परिवार को आगे रखा है, अपना मान अपनी बाजी को जला दे। क्या आपके वजह से आपके परिवार में मातम? मुझे माफ करना, मैं ये नहीं करूंगा। मैं तुम दोनों को छोड़ रहा हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैंने तुम दोनों को माफ कर दिया। इसलिए तुम दोनों के लिए बेहतर होगा कि तुम ये शहर छोड़कर चले जाओ। और आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, क्योंकि अगर ऐसा हुआ सोच भी नहीं सकते कि एकांश अग्निवंशी तुम्हारा क्या हाल करेगा। जाओ यहां से। किसी को सजा देने से बड़ा काम होता है उसको माफ कर देना, जो हर कोई नहीं कर पाता वो काम आज आपने किया है। मुझे आप पर गर्व है, आज आपने दीदी और ध्रुव भैया को माफ करके अपनी अच्छाई साबित कर दी। थैंक यू मुझ पर भरोसा करने के लिए। आप सब लोग मेरे साथ आइए, कुछ जरूरी बात कर ली।
अच्छा हुआ एकांश ने हमें माफ कर दिया, नहीं तो पता नहीं हम दोनों इस घर में होते या नहीं। तुम बीती बातों को याद करके उस पर नमक छिड़कना बंद करो, ये सोचो कि एकांश आज क्या अनाउंस करने वाला है। मैं आज आप सबके सामने एक बात कबूल करना चाहता हूं कि हमारी शादी सिर्फ एक खेल थी। और मैंने तुम्हें सिर्फ ये खेल जीतने के लिए इस्तेमाल किया था। तुम मेरी बाजी का सिर्फ एक प्यादा थी महक। लेकिन अब ये शादी मेरे लिए बहुत मायने रखती है। दर्द हो रही है, अपनी हार का तमाशा देख रही। परसों तुम्हारे बर्थडे पर मैं अपनी ये गलती सुधारना चाहता हूं। मुझसे शादी करोगे? हाँ। परसों हम अपनी शादी के फिर से सात फेरे लेंगे, और ये सात फेरे ना तो किसी की मजबूरी होगी और ना ही किसी खेल का हिस्सा। अपने प्यार की नींव पर हम अपने रिश्ते की शुरुआत करेंगे, और मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इस खुशी में शामिल हों। करता हूं कि आप अपने बेटे का सच्चा प्यार समझेंगे और मुझे और महक को आशीर्वाद देंगे। मन्नत के फूल से शुरू हुआ यह खेल तो मेरे दिल की मन्नत बन गया है मां, मेरे जीने की वजह। आप समझोगी ना इस बात को? देखा मम्मी, महक ने कैसे एकांश को अपने हाथों की कठपुतली बना के रखा है। अगर आपने इतना भरोसा एकांश के जगह वीरेन पे किया होता ना, तो आज आपको ये दिन नहीं देखना पड़ता। वो सब तो ठीक है, पर सुनीता आंटी, आपने मुझसे वादा किया था कि आप मेरी शादी एकांश से करवाएंगे, उस वादे का क्या? चुप, एकदम चुप। दोनों मेरे जले पर अपनी रोटी सेकने आई हो? जाओ यहां से, निकलो यहां से, मुझे अकेला छोड़ दो, जाओ आउट। कौन कौन है? मैं हूं तुम्हारी परछाई सुनीता। क्यों इतना चिल्ला रही हो, परेशान हो रही? कोई फायदा नहीं, तुम्हारा बेटा अपनी बीवी के पल्लू से बंध चुका है, अब उसकी नजरों में तुम्हारा कोई वजूद नहीं। नहीं, नहीं, नहीं। मैंने कहा चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, मेरे कान चुप हो जाओ, मैं ज़ार किसने होने दूंगी? चुप हो जाओ तुम, मेरा बेटा सिर्फ मेरा है, वो किसी और का नहीं हो सकता, समझे? जाओ यहाँ से, मेरे कहा जाओ यहाँ से।
मेरा इकट्ठा मेरे खिलाफ नहीं था। माँ क्यों आई हो, क्यों आई हो यहाँ पर? मेरे जले पर नमक छिड़कने आई हो अब तुम? मगर मैं तुम्हें तुम्हारी चाल में कामयाब नहीं होने दूंगी। महक, तुम्हें पता है भगवान ने माँ क्यों बनाई? क्योंकि वो खुद हर जगह नहीं हो सकते। तो जब भगवान खुद एक माँ बेटे के रिश्ते के बीच में नहीं आते, तुम क्या चीज हो? माँ आप गलत समझ रही, मैं आपको और मिस्टर अग्निवंशी को दूर नहीं करना चाहती और ना ही मैं आप दोनों के बीच आना चाहती हूँ। मैं तो बस उन्हें किसी का खून करने से रोक रही थी क्योंकि वो गलत है। इस घर में सही और गलत का फैसला सिर्फ मैं करती हूँ और मेरे हिसाब से अब तुम गलत हो। महक, तुमने मेरे बेटे को मेरे खिलाफ किया ना, अब मेरा वही बेटा तुम्हारी वो तकदीर लिखेगा जो मैं उससे लिखूंगी। तकदीर तो माता रानी लिखती है, हम तो सिर्फ उनसे प्रार्थना कर सकते हैं माँ, और मेरी हमेशा उनसे यही प्रार्थना रहेगी कि आप माँ बेटे का प्यार कभी कम ना हो। उम्मीद करती हूँ कि परसों आप मेरे और अपने बेटे की खुशियों में जरूर शामिल होंगे और खुशी खुशी हमें अपना आशीर्वाद देंगे।